जी एक बहन ने पूछा है कि कुरान शरीफ तो हम पढ़ती हैं मगर तजवीद से पढ़ने का इल्म नहीं है, उसके मखारिज वगैरह के ताल्लुक से कुछ मालूमात नहीं है, तो ये सही तलफ़ुज़ वगैरह सीखने के लिए जो उन्होंने लिखा है, गैर अकीदा मदरसे में जाना कैसा? गैर अकीदा मदरसे में कभी नहीं जाना चाहिए। हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम अपने आप को उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, इसलिए उनके पास इस काम के लिए ना जाएं, बल्कि अपने मदरसे में मुअल्लिमात के ज़रिए तजवीद सीखें, हिफ्ज़ कुरान करें, नमाज की तालीम हासिल करें, बस अपने मुअल्लिमात के ज़रिए, उनके सिवा नहीं। जी एक बहन ने पूछा है कि कुरान शरीफ तो हम पढ़ती हैं मगर तजवीद से पढ़ने का इल्म नहीं है, उसके मखारिज वगैरह के ताल्लुक से कुछ मालूमात नहीं है, तो ये सही तलफ़ुज़ वगैरह सीखने के लिए जो उन्होंने लिखा है, गैर अकीदा मदरसे में जाना कैसा? गैर अकीदा मदरसे में कभी नहीं जाना चाहिए। हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम अपने आप को उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, इसलिए उनके पास इस काम के लिए ना जाएं, बल्कि अपने मदरसे में मुअल्लिमात के ज़रिए तजवीद सीखें, हिफ्ज़ कुरान करें, नमाज की तालीम हासिल करें, बस अपने मुअल्लिमात के ज़रिए, उनके सिवा नहीं। जी एक बहन ने पूछा है कि कुरान शरीफ तो हम पढ़ती हैं मगर तजवीद से पढ़ने का इल्म नहीं है, उसके मखारिज वगैरह के ताल्लुक से कुछ मालूमात नहीं है, तो ये सही तलफ़ुज़ वगैरह सीखने के लिए जो उन्होंने लिखा है, गैर अकीदा मदरसे में जाना कैसा? गैर अकीदा मदरसे में कभी नहीं जाना चाहिए। हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम अपने आप को उनसे दूर रहो और उनको अपने से दूर रखो, इसलिए उनके पास इस काम के लिए ना जाएं, बल्कि अपने मदरसे में मुअल्लिमात के ज़रिए तजवीद सीखें, हिफ्ज़ कुरान करें, नमाज की तालीम हासिल करें, बस अपने मुअल्लिमात के ज़रिए, उनके सिवा नहीं।